हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडक्शन फिजिक्स क्लासेस बाय इमरान खान। तो चलिए अब हम देखते हैं रिमेनिंग सॉल्व एग्जांपल्स ऑफ चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेट्स सी एग्जांपल नंबर 8.8 में क्या गिवन है। टू चार्जेस 5×10⁻¹ कूलम एंड -3×10⁻¹ कूलम आर लोकेटेड एट 16 सेंटीमीटर अपार्ट। एट वॉट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। तो सबसे पहले गिवन कंडीशन लिख लेते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्या फाइंड आउट करना है और इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो, हमारे पास गिवन क्वेश्चन में कुछ इस तरीके की कंडीशन है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर चार्ज दिया है Q1 जिसकी वैल्यू है 5×10⁻¹ और एक दूसरा चार्ज है -3×10⁻¹ और उन दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस दिया है जिसे हम क्या बोल सकते हैं 16 सेंटीमीटर, राइट। हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड दैट कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, राइट। यानी अगर हमारे पास दो चार्ज रखे हैं, एक चार्ज प्लस में है दूसरा चार्ज माइनस में है, तो इन दोनों चार्ज की वजह से अलोंग द लाइन किस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा। तो यहाँ पर हम दो केसेस देखेंगे। एक केस ये देखेंगे कि ये हो सकता है कि इन दोनों चार्ज में बीच में किसी न किसी पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा, ये तो कन्फर्म बात है। तो किस पॉइंट पर जीरो होगा वही हमें निकालना है, यानी ए चार्ज से कितने डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा जीरो। तो पहला केस ये हमें देखना है। दूसरा हम ये देख सकते हैं कि अगर हम इस लाइन को और आगे एक्सटेंड कर दें और मैं पी पॉइंट को यहाँ पर ले लेता हूँ और मान लेता हूँ कि इस पॉइंट पर इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, तो ये जो हमारा रहेगा वो हमारा केस वन होगा जहाँ पर हम पता करेंगे कि कितने डिस्टेंस पर ए से पोटेंशियल जीरो होगा। और ये हमारा केस टू रहेगा जहाँ पर हम ये देखेंगे कि ए चार्ज से कितने डिस्टेंस पर अलोंग द लाइन ये पोटेंशियल जीरो होगा। तो सबसे पहले हम इसे देखो क्या करते हैं। सो देयरफॉर हमें पता है पोटेंशियल एट ए प्लस पोटेंशियल एट बी विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये हमें बोला हुआ है कि इन दोनों चार्जेस की वजह से किसी ना किसी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा जीरो। तो इन दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, इस चार्ज का पोटेंशियल होगा वी ए और इस चार्ज का पोटेंशियल होगा वी बी, और इन दोनों चार्ज की वजह से जिस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा जीरो। अब देखो वी ए की वैल्यू क्या है, वी ए की वैल्यू होती है 1/4πε0 और ये हो जाएगा Q1/R1 प्लस 1/4πε0 Q2/R2 जो कि किसके बराबर है जीरो के बराबर है। अब देखो दोनों में ये कॉमन है तो मैं इसे बाहर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 और अंदर क्या बचेगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 इज इक्वल टू जीरो। अब देखो 1/4πε0 को मैं उधर लेके जाऊँगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो इसे फाइनली क्या लिख सकते हैं Q1/R1 प्लस Q2/R2 इज इक्वल टू जीरो। अब देखो आगे इसे हम और सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, Q1 की वैल्यू हम पुट अप कर देते हैं, तो Q1 की वैल्यू कितनी है 5×10⁻¹ अपॉन R1 का मतलब क्या है x, R1 यहाँ पर किसके बराबर है x के बराबर, और R2 हमारा किसके बराबर हो जाएगा 0.16 - x। सो देयरफॉर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा x, और प्लस Q2 की वैल्यू कितनी गिवन है -3×10⁻¹ अपॉन, और हमारा R2 जो है वो किसके बराबर है 0.16 - x एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। सो देयरफॉर इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 5×10⁻¹ अपॉन x इज इक्वल टू, ये वाले टर्म को उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 3×10⁻¹ अपॉन 0.16 - x। अब यहाँ से 10⁻¹ कैंसल और इसे हम क्या कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आ जाएगा 5 0.16 - x इज इक्वल टू 3x। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 16 × 5 = 80, तो ये क्या हो जाएगा 0.80 - 5x इज इक्वल टू 3x। हमें क्या फाइंड आउट करना है x, तो x वाले टर्म को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -5x - 3x और इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -0.8, राइट। अब यहाँ से अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पहले माइनस नहीं कैंसिल करेंगे, -5 - 3 कितना हो जाएगा -8x और ये कितना हो जाएगा -0.8। अब माइनस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.8/8 जिसका आंसर क्या मिलेगा 0.1 मीटर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर। यानी हमें यहाँ से क्या पता चला कि A चार्ज से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, राइट। अब हम दूसरा केस समझते हैं। अब देखो दूसरे केस में क्या होगा,
दूसरे केस में हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो लाइन है, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दूं तो कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर इन दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या होगा। अब हमने इतना डिस्टेंस कितना माना है, 16 है, बुक में गिवन है। अब हमारा पॉइंट पी यहाँ पर है, तो हम क्या मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, एक्स है। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स है तो फिर इतना डिस्टेंस कितना होगा देखो, और ये कितना डिस्टेंस है, ये है 0.16। तो अब ये डिस्टेंस कितना बचेगा, इट विल बी एक्स माइनस 0.16। ठीक है, ये आपको ध्यान दे रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं x है, और इतना डिस्टेंस कितना गिवन है हमें, 0.16। तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा, x माइनस 0.16। तो अब ये आपके लिए क्या हो जाएगा, r1, और ये क्या हो जाएगा, r2। ठीक है, सो देयरफॉर सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, va प्लस vb इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, 1/4πε0 कॉमन रहेगा दोनों केस में, तो ये हो जाएगा q1/r1 प्लस q2/r2 इज इक्वल टू जीरो। अब देखो आगे से सॉल्व करते हैं, हमें पता है इस वाले टर्म को उधर लेके जाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा। q1 की वैल्यू रख लेते हैं, q1 की वैल्यू कितनी है, 5×10⁻¹ अपॉन r1 किसके बराबर है, x के बराबर, और ये हो जाएगा प्लस, और ये q2 किस में है, माइनस में गिवन है, राइट, कितना है, -3। तो मैं यहाँ पर माइनस लिख लेता हूँ ऑलरेडी, -3×10⁻¹ अपॉन, अब देखो x2 की वैल्यू कितनी है, x-0.16 विच इज़ इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये वाला टर्म डिनोमेटर में जाके जीरो हो जाएगा। सो देयरफॉर 5×10⁻¹ अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 3×10⁻¹ अपॉन x-0.16। ठीक है, अब यहाँ से देखो 10⁻¹ कैंसल, तो अब इसको भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कितना हो जाएगा, 5x-0.16 इज इक्वल टू 3x, राइट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5x माइनस, इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 0.8 इज इक्वल टू 3x। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, 5x-3x इज इक्वल टू 0.8, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 2x इज इक्वल टू 0.8, तो यहाँ से फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.8 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0.4, जिसे ये किस में होगा, मीटर में, अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो ये दो कंडीशन हमें मिली कि अगर हम इन दो चार्जेस के बीच में किसी पॉइंट को पोटेंशियल जीरो मान लेते हैं तो वो कितना होगा, ए से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। और अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि इस लाइन के अलॉन्ग जिसे हमने एक्सटेंड किया है किसी पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा तो कितना होगा, ए से 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8.9 में क्या गिवन है। ए स्मॉल पार्टिकल कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6×10⁻¹ कूलम इज सस्पेंडेड इन इक्विलिब्रियम बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल मेटल प्लेट्स, और उसका जो सेपरेशन डिस्टेंस है दैट इज 10 सेंटीमीटर अपार्ट, हैविंग अ पोटेंशियल ऑफ 400 वोल्ट अक्रॉस देम, फाइंड द मास ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, एग्जाम्पल 8.9 हमें क्या बोला है कि एक चार्ज है और उस चार्ज की जो वैल्यू है वो कितनी है, -1.6×10⁻¹ कूलम। ठीक है, जो कि कहाँ पर रखा हुआ है, दो प्लेट के बीच में रखा हुआ है। तो मान लो कि ये प्लेट वन है और ये प्लेट टू है, इसके बीच में एक चार्ज क्यू रखा हुआ है जो कि इक्विलिब्रियम पोजिशन पे है। ठीक है, और इसका जो प्लेट का सेपरेशन डिस्टेंस हमें जो गिवन है, ये जो सेपरेशन डिस्टेंस दिया है जिसे हम क्या बोलेंगे, dx, तो dx को हम कितना बोल सकते हैं, यहाँ पर कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 10×10⁻2 मीटर, और यू कैन राइट 1×10⁻¹ मीटर। तो इतना हमें सेपरेशन डिस्टेंस दिया है, और इन दो प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी भी वैल्यू गिवन है, कितनी है, dV इज इक्वल टू 4000 वोल्ट, राइट। तो जिसे हम इन शॉर्ट क्या लिख सकते हैं, 4×10³ वोल्ट। तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन है कि एक चार्ज है और उसकी वैल्यू है -1.6×10⁻¹ कूलम, और जो दो मेटल प्लेट के बीच में रखा हुआ है एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, और इसके दो प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर, और उनके बीच का जो पोटेंशियल है वो कितना गिवन है, 4000 वोल्ट। अब हमें निकालना क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ द चार्ज, इस चार्ज का मास कितना होगा वो निकालना है।
तो आप देखो, हमें पता है कि अगर ये चार्ज इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कोई चीज़ कब होती है? व्हेन टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स। सो देयरफॉर हम बोलेंगे, देयरफॉर फॉर इक्विलिब्रियम टोटल डाउनवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स, राइट। अब देखो यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स क्या है? डाउनवर्ड फोर्स इस चार्ज का खुद का वेट होगा, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? mg। अच्छा, अब अपवर्ड फोर्स क्या होगा? तो अपवर्ड फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप होगी, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? इस चार्ज को ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्यू इंटू ई। सो देखो, ये जो फॉर्मूला है, दैट इज टोटल डाउनवर्ड फोर्स। टोटल डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा? इस चार्ज का खुद का वेट, और जो कि किसके बराबर होगा? एम जी के बराबर। अच्छा, दो ये मेटल प्लेट के बीच में रखा हुआ है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, अगर हम मान लेते हैं कि ऊपर की तरफ है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। वो कितना फोर्स लगाएगा? क्यू इंटू ई। अब हमारे पास जो गिवन कंडीशन है, वहाँ पर हमें Q की वैल्यू गिवन है, G की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होती है। G की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें निकालना क्या है? मास। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमें पता है कि दो मेटल प्लेट के बीच का अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx। तो पहले हम E निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर देखो, माइनस dV, dV की वैल्यू हमें कितनी है? 4 × 10³ गिवन है अपॉन dx। dx कितना गिवन है? इट इज़ 1 × 10⁻¹। 1 × 10⁻¹। सो देयरफॉर इसे क्या लिख सकता हूँ? −4 × 10⁴, राइट। ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई? E की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे? इस E की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट अप करके m को फाइंड आउट कर लेते हैं। सो देयरफॉर देखो क्या होगा, देयरफॉर m इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये? QE अपॉन G। सो देयरफॉर Q की वैल्यू कितनी गिवन है? 1 −1.6 × 10⁻¹⁹। तो ये −1.6 × 10⁻¹⁹। और जो हमारे पास E की वैल्यू है वो कितनी है? −4 × 10⁴ अपॉन G की वैल्यू कितनी होती है? 9.8। अब आपको करना क्या है, देखो ध्यान से देखो, 1.6 और ये 4 है, तो ये माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 1.6 × 4 अपॉन 9.8, और इंटू यहाँ पर कितना होगा? 10⁻¹⁹ है, 10⁴ है, तो बचेगा क्या? 10⁻¹⁵। सो देयरफॉर यहाँ पर मैं लिखता हूँ m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो, अगर हमने इसे 2 से कट कर दिया, तो अब यहाँ पर क्या बचा है? 2 × 1.6, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? 3.2 अपॉन ये क्या हो जाएगा? 4.9 × 10⁻¹⁹। अब आपको करना क्या है, देयरफॉर इसे क्या लिखा जा सकता है? 32 upon 49 × 10⁻¹⁹। अब आप क्या करोगे, बाय यूजिंग लॉग एंड एंटी लॉग इसे आप सॉल्व कर लोगे। डिवाइड करने के बाद जो इसका आपको आंसर मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.653 × 10⁻¹⁵। सो देयरफॉर फाइनली हम क्या लिख सकते हैं? मास इज इक्वल टू 6.53 × 10⁻¹⁶ kg। तो ये हमें क्या मिल गया? मास ऑफ द चार्ज। कि जब हम इस चार्ज को दो मेटल प्लेट के बीच में सस्पेंड करेंगे और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा, तो इसका मास कितना होगा? 6.53 × 10⁻¹⁶ kg। नाउ लेट्स सी एग्जांपल नंबर 8.10 में क्या गिवन है। टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 nC एंड −2 nC आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स 2 cm, 0, 0 एंड 20 cm, 0, 0 इन अ रीजन ऑफ स्पेस वेयर देर इज नो एक्सटर्नल फील्ड। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ दीज टू चार्जेस। तो सबसे पहले हम गिवन कंडीशन में देखते हैं क्या गिवन है। 8.10, तो हमें यहाँ पर दो चार्जेस है और उनकी वैल्यू गिवन है, यानी Q1 कितना गिवन है? 5 nC, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? 5 × 10⁻¹⁹ कूलम। और Q2 की वैल्यू हमें गिवन है −2 nC, जिसे क्या लिख सकते हैं? −2 × 10⁻¹⁹ कूलम, राइट। तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन है, और हमें आगे क्या गिवन है उसमें? इनका लोकेशन दिया है, तो इनके लोकेशन को भी हम लिख लेते हैं। क्या लोकेशन है इसका? लोकेशन जो हमें गिवन है वो क्या दिया है? 2 cm, 0, 0 और इसका लोकेशन है 20 cm, 0, 0। तो इस लोकेशन से हमें ये पता चलता है कि ये जो दोनों चार्ज हैं वो एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं, यानी कुछ इस तरीके से कि अगर मान लो कि आपका ये कोई एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है,
और ये क्या है, जेड एक्सिस है, राइट। और ये पॉइंट है ओरिजिन, राइट। तो सपोज़ करो ये 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, और इसे आप मान लो कि ये 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ पर चार्ज Q1 रखा हुआ है, यहाँ पर चार्ज Q2 रखा हुआ है। तो इन दोनों चार्जेस की वजह से जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो देयरफॉर अब हमें पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्जेस का फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला होता है? U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। तो Q1 Q2 की वैल्यू तो गिवन है, R12 का मतलब क्या है यहाँ पर? R12 का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। अब दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस कितना होगा? तो ध्यान से देखो, ये मैं मान लेता हूँ कि ये पॉइंट ओरिजिन है, और यहाँ पर रखा हुआ है चार्ज Q1, और यहाँ पर चार्ज रखा है Q2। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, और हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना गिवन है? इट इज़ 20 सेंटीमीटर। तो दो चार्ज के बीच का कितना डिस्टेंस मिलेगा? ये हो जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर ये हमें R12 की वैल्यू कितनी मिल गई? 18 सेंटीमीटर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? 18 × 10⁻²⁰ मीटर। सो चलो अब वैल्यू को पुट अप करते हैं। तो U इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू क्या गिवन है हमें? 5 × 10⁻ Q2 की वैल्यू क्या है? −2 × 10⁹ −9 अपॉन R12, और R12 की वैल्यू कितनी है? 18 × 10⁻². अब देखो यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, तो 9 2 जा, राइट, और 2 1 जा, तो ये −1 आ जाएगा यहाँ पर। सो देयर फॉर यू इज इक्वल टू क्या बचेगा? देखो तो ये हो जाएगा 5 × और यहाँ पर क्या बचा? −1। पावर यहाँ पर क्या है? 10⁹ और यहाँ पर है −9, तो ये कैंसिल। तो बचेगा पावर क्या यहाँ पर? 10⁻⁹, और 10⁻²² को ऊपर लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा 10⁻+2। सो देयरफॉर फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिलेगी हमें? ये हो जाएगा −5 × 10⁻⁷, और इसका यूनिट हो जाएगा जूल। सो दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द टू चार्जेस केप्ट इन द एक्स एक्सिस। इसे अगर हम और आगे सॉल्व करेंगे तो और क्या लिख सकते हैं? देखो, इट कैन बी रिटन एज −0.5 × 10⁻⁶ जूल। अब हमें पता है 10⁻⁶ को क्या हम बोलते हैं? माइक्रो। तो अगर माइक्रो के टर्म में अगर इसे लिखें तो सो देयरफॉर इसे और क्या लिख सकते हैं हम लोग? −0.5, और यह हो जाएगा माइक्रो जूल, ठीक है। लेकिन ये जो आंसर है ये लाना कोई कंपलसरी नहीं है, जब तक कि क्वेश्चन में ये ना गिवन हो कि आपको आंसर मिली में लाना है, माइक्रो में लाना है, नैनो में लाना है, तब तक आपका कोई कंपल्शन नहीं है कि आप उसको उस टर्म में आंसर लेके आओ। अकॉर्डिंग टू द SI यूनिट एनर्जी किस में होनी चाहिए? जूल में। और यहाँ तक जो आपको आंसर मिल गया दैट इज़ द परफेक्ट आंसर। इसके आगे का स्टेप अगर आप चाहते हो तो लिखो, नहीं तो कोई नेसेसरी नहीं है। लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 8.11 में क्या गिवन है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस एज शोन इन द फिगर। तो हमारे पास यहाँ पर एक गिवन फिगर है और उसमें कुछ चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो इन चार्जेस की वजह से टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो सबसे पहले हम डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं और फिर समझते हैं कि हम इसके पोटेंशियल एनर्जी को कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो हमारे पास ये गिवन डायग्राम है, राइट। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये हमें एक स्क्वायर शेप दिख रहा है। अब यहाँ पर इसके चार कॉर्नर्स हैं और यहाँ पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, राइट। और यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया है बिटवीन द टू चार्जेस वो चारों के केस में क्या है? सेम है, आर है। क्यों सेम है? बिकॉज हमें पता है स्क्वायर में चारों साइड्स क्या होती हैं? सेम होती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें गिवन है। क्या दिया है? कि चार्जेस दिए हैं कि हर एक कॉर्नर पर चार्ज की वैल्यू क्या क्या होगी, और उन दोनों के चार्जेस के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस दिया है, राइट। अब बात आती है कि यहाँ पर हम किस फॉर्मूले को अप्लाई करके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस चार्जेस निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दो फॉर्मूले थियरी में पढ़े हुए हैं। एक है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्जेस, कि दो चार्जेस की वजह से कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और उसका हमें एक फॉर्मूला पता है। क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 upon R12, राइट। तो ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास दो चार्जेस होते हैं और उन दो चार्जेस की वजह से हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो। लेकिन यहाँ पर दो नहीं, यहाँ पर कितने चार्जेस हैं? टोटल 4 चार्जेस हैं, और वो किस शेप में रखे हुए हैं? स्क्वायर शेप में रखे हुए हैं। तो अब इन चार्जेस की वजह से टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ n चार्जेस, क्योंकि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ चार्जेस रखे हैं? 4 चार्जेस।
सो देयर फॉर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। तो हमें ये पता है कि इन चारों के केस में जो एक चीज़ है वो कॉमन रहेगी, वो क्या है, 1/4 pi epsilon naught, ये वैल्यू सबके केस में क्या रहने वाली है, कॉमन। तो अब हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दो चार्जेस के बीच का पोटेंशियल निकाल लेंगे, प्लस दिस एंड प्लस दिस। उसके बाद यहाँ पर दो डायगनल्स हैं तो इन डायगनल का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे ड्यू टू दिस चार्जेस। सो देयर फॉर जब हम इनको प्लस करके सॉल्व करेंगे तो हमें टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो हमने क्या बोला कि इन यहाँ पर 6 केसेस बनेंगे टोटल, राइट, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, जिसमें से 1/4 pi epsilon naught सबके लिए कॉमन रहने वाला है, राइट। तो कुछ इस तरह का सीन होगा, आप इसको इमेजिन करो और वैल्यू को हम पुटअप करते हैं। तो सबसे पहले देखो हम ये चार्ज लेते हैं प्लस क्यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो प्लस क्यू यानी क्यू इंटू क्यू, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर है, राइट। उसके बाद प्लस, अब इस चार्ज और इस चार्ज को आप देखो यहाँ पर क्या है, क्यू इंटू माइनस क्यू, और इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस कितना है, आर। देन यहाँ पे आ जाओ आप माइनस क्यू, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -q (-q) अपॉन डिस्टेंस कितना है, r। फिर उसके बाद प्लस करेंगे -q (+q), तो ये हो जाएगा -q (+q) और इनके बीच का भी डिस्टेंस कितना है, r, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो अब आगे क्या करेंगे, तो हमने चारों साइड्स का पोटेंशियल लिख लिया, अब हमें डायगनल का पोटेंशियल लिखना है, राइट। तो अब देखो डायगनल के लिए क्या हो जाएगा, दो है, -q (+q), तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +q(+q) अपॉन, अब इनके बीच का डिस्टेंस क्या है वो हमें गिवन नहीं है, है ना, यानी हमें ये वाला डिस्टेंस पता करना है और ये वाला डिस्टेंस पता करना है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, और अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें, ठीक है, यानी मैं इसे अगर ऐसे करके लिख देता हूँ, सपोज करो कुछ ऐसा है ये, और इसको हम नाम दे देते हैं A, B, C, अगर ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है, तो अगर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट AC² = AB² + BC² यानी ये टोटल कितना हो जाएगा, R² + R², जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 2R². सो यहाँ पर ये क्या है, AC², तो यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2R, तो AC की वैल्यू हमें क्या मिली, √2R, सो देयर फॉर ये वाली जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, √2R, तो अगर ये वाली लेंथ √2R होगी तो ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, √2R, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, अब हम इनकी वैल्यू को पुटअप कर देते हैं, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, √2R प्लस, अब इसके बाद हमने ये तो निकाल लिया, अब हमें ये निकालना है, तो यहाँ पर कौन से चार्ज हैं, इट इज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक है, अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, √2R। तो इस तरीके से हमने ये सारे केस यहाँ पर इनकी वैल्यू को पुटअप कर दिया। अब इनको हम क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 pi epsilon naught, और देखो q करेंगे तो क्या हो जाएगा, q² / r, और ये क्या हो जाएगा, -q² / r, ये क्या हो जाएगा, -minus + q² / r, और ये कितना हो जाएगा, -q² / r। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये -q² / √2R, राइट, और ये भी कितना हो जाएगा, -q² / √2R। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करेंगे, सो देयर फॉर यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो क्या क्या देखो, यहाँ पर कैंसिल हो रहा है q² ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, यानी हमें एक बात तो पता चलती है कि ये जो चार्जेस जो इनके कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं, इन चार्जेस की वजह से टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो, यानी हमें जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वो बिकॉज ऑफ दिस डायगनल्स की वजह से मिलेगी, है ना, क्योंकि डायगनल्स की वैल्यू ही बच रही है, बाकी तो सारी वैल्यू जीरो हो चुकी है। सो देयर फॉर इसे हम लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखो -2q² / √2R, राइट। अब देखो इसको हम आगे और सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, सो देयर फॉर मैं एक काम करता हूँ, इसे लिखता हूँ 1/4 pi epsilon naught, और ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें इस इक्वेशन को मैं √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखो मैं क्या किया, √2 से इसे मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर की तरफ, तो मुझे √2 से ही क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि इक्वेशन में कोई फर्क ना पड़े। अब ये माइनस साइन है तो इनिशियली माइनस साइन को मैं बाहर रख देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, फिर 2q² / √2R। अब हमें पता है कि √2 × √2 क्या होगा, 2 हो जाएगा, सो देयरफॉर इसका आंसर मैं
यहाँ पर लिख देता हूँ फाइनल, ठीक है। देखो देयरफॉर यू इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा ध्यान से देखो, इट विल बी रूट टू टू क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू, रूट टू क्या हो जाएगा टू, और ये बचेगा आर। अब यहाँ से टू क्या हो जाएगा कैंसल, सो देयर फॉर यू इज इक्वल टू, फाइनली हम इसे क्या लिख सकते हैं, रूट टू क्यू स्क्वायर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इसे हमें इस तरीके से कुछ सॉल्व करना है। तो दिस इज द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ दिस चार्जेस। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8.12 में क्या गिवन है। टू चार्ज्ड पार्टिकल्स हैविंग इक्वल चार्ज ऑफ 3×10⁻⁵ कूलम, ईच आर ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सेपरेशन ऑफ 30 सेंटीमीटर, फाइंड द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, हमें क्या गिवन है यहाँ पर कि दो चार्जेस हैं और जिन्हें हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से किसी फाइनाइट पोजीशन पर लेके आ रहे हैं, और उन दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है वो भी हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर। तो इन दोनों चार्जेस की वजह से हमें क्या फाइंड करना है कि टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। एग्जाम्पल 8.12, तो देखो क्या है बेसिकली कि मान लो कि ये कोई इन्फिनिटी पोजीशन है, यहाँ से हम किसी एक चार्ज को इस पॉइंट पर लेके आए, और मान लेते हैं ये चार्ज क्या है Q1, और एक दूसरे चार्ज को भी यहाँ पर लेके आए और इसको मान लेते हैं Q2, और इन दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा R12। तो यहाँ पर हमें क्या वैल्यू गिवन है, Q1 की वैल्यू दिया है, Q2 की वैल्यू गिवन है, और हमें R12 की वैल्यू गिवन है। ये तीनों वैल्यू क्या है हमारे पास गिवन है, और इनकी वैल्यू क्या है, 3×10⁵ कूलम, 3×10⁵ कूलम, क्योंकि दोनों चार्ज की वैल्यू क्या है सेम है, और सेपरेशन डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 30×10⁻², इन शॉर्ट इसे लिख सकते हैं 3×10⁻¹ मीटर। अब हमें पता क्या करना है कि इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। तो देखो हमें एक चीज़ तो पता है कि इन्फिनिटी पोजिशन पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो यानी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कोई चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पर तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कहाँ का पी होगी, यहाँ पर की, ठीक है। सो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बिकॉज ऑफ द टू चार्जेस, 1/4πε₀Q1Q2/R12, बस इनकी वैल्यू को पुटअप कर दो, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9×10⁹। Q1 की वैल्यू कितनी गिवन है, इट इज़ गिवन 3×10⁵। Q2 की वैल्यू कितनी गिवन है, 3×10⁵। और R12 ये कितना गिवन है, 3×10⁻₁। तो 3 से एक 3 कैंसल, और 9 3 का कितना हो जाएगा, ये 27। यहाँ पर 10⁹ है, और ये 10⁻², ऊपर आएगा तो +1 और 9 कितना हो जाएगा, 10⁹, और ये कितना हो जाएगा, 10⁻², ये दोनों कैंसल, सो देयरफॉर आंसर इज 27 जूल। सो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द टू चार्जेस, राइट। अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 8.13 में क्या गिवन है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस, और इनकी वैल्यू कितनी है, -2 μC एंड +4 μC विथ नो एक्सटर्नल फील्ड प्लेस्ड, और इनके लोकेशन हमें दिए हैं -8 cm, 0, 0 और +8 cm, 0, 0। और हमें यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे हैं, तो सबसे पहले हम गिवन कंडीशन लिख के पहले वाले क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करते हैं, और फिर सेकेंड फाइंड आउट करते हैं, राइट। एग्जाम्पल नंबर 8.13, तो हमारे पास गिवन कंडीशन क्या दिया है कि मान लो हमारे पास दो चार्जेस हैं, और इनकी वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, -2 μC, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, -2×10⁻⁶ कूलम, और एक दूसरा चार्ज है जिसकी वैल्यू है +4 μC, जिसे क्या लिख सकते हैं, 4×10⁻⁶ कूलम, ठीक है। तो ये दो चार्जेस हैं हमारे, और यहाँ पर इनके लोकेशन भी गिवन है, क्या लोकेशन दिया है, देखो इसका लोकेशन दिया है -8 cm, 0, 0, और इस चार्ज का जो लोकेशन है वो कितना है, +8 cm, 0, 0, राइट। इन दोनों चार्जेस की वजह से हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी हमें यू निकालना है।
और इसके लिए हमें एक कंडीशन बोला है कि ये जो दो चार्जेस रखे हुए हैं ये किसी एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रखे हुए हैं, यानी हमने इन्फिनिटिव से इन चार्जेस को लेके आया और किसी पॉइंट पर हमने रख दिया, लेकिन यहाँ पर इनका लोकेशन हमें गिवन है। तो सबसे पहले अगर आप इनके लोकेशन पॉइंट को देखोगे तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, एक्स वाई जेड, यानी दोनों चार्ज कहाँ पर रखे हुए हैं, एक्स एक्सिस पर रखे हुए हैं। तो अगर मैं इसको ग्राफ में ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके से होगा कि ये सपोज करो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, जेड एक्सिस है, राइट, और ये इसका क्या है, ओरिजिन है। सो यहाँ पर कुछ इस तरीके का सीन होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर चार्ज है क्यू वन, राइट, और जो कितने डिस्टेंस के पर है, माइनस एट सेंटीमीटर। तो माइनस एट सेंटीमीटर का मतलब हो गया टूवर्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। और जो दूसरा चार्ज है उसकी लोकेशन क्या दिया, प्लस एट सेंटीमीटर, यानी ये समवॉट यहाँ होगा क्यू टू चार्ज, राइट, और इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा, एट सेंटीमीटर टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हमें कुछ इस तरह का केस दिया हुआ है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं क्यू वन एंड क्यू टू, एक चार्ज का लोकेशन माइनस एक्स एक्सिस पे है और दूसरे चार्ज का लोकेशन प्लस एक्स एक्सिस पे है, राइट। तो अगर इन दोनों के बीच का मैं सेपरेशन डिस्टेंस देखूँ तो मुझे कितना मिलेगा, देखो आर वन टू इज इक्वल टू मिल जाएगा 16 सेंटीमीटर, है ना, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं आर वन टू इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, विच कैन बी रिटन एज 16 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करके लेते हैं। सो देयरफॉर ये क्या होगा, यू इज इक्वल टू 1/4πε0 और क्या होगा Q1 Q2/R12। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू है -2 μC, यानी -2 × 10⁻⁶। Q2 की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻⁶, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो कितना गिवन है, 16, राइट, × 10⁻²। तो यहाँ से कुछ कैंसिल होगा, देखो 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ से 2 से कट करेंगे तो 2 हो जाएगा, राइट। सो देयरफॉर यू इज इक्वल टू कितना होगा, देखो यू इज इक्वल टू 9/2, कितना हो गया ये 9/2। यहाँ पर अब ध्यान से देखो हम क्या करेंगे, 10⁹ है, राइट, और ये कितना है, 10⁻², ऊपर आएगा तो ये +2 हो जाएगा, तो +2 और 9 कितना हो जाएगा, 10⁻११ इंटू 10⁻⁶, 10⁻⁶, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻½, और ये माइनस साइन को आप मत भूल जाना, तो ये माइनस साइन को आगे लगा दो। अब यहाँ पर देखो फाइनली यू की वैल्यू क्या मिलेगी, -9/2 इंटू 10⁻¹, तो यू इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर लो तो ये क्या मिलेगा, -4.5 इंटू 10⁻¹, सो यू इज इक्वल टू -0.45 जूल, राइट। तो ये हम लोग को क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द टू चार्जेस जब हमने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहाँ पर, ठीक है ना। बुक में वहाँ पर नेगेटिव साइन को वहाँ पर लिखना भूल गए हैं तो आप इसे करेक्ट कर लेना, राइट। अब हम इसके बी पार्ट को देखते हैं। तो बी पार्ट में देखो क्या गिवन है, सपोज द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ E इज इक्वल टू A₁/R² वेयर A इज इक्वल टू 8 × 10⁵ सेंटीमीटर पर स्क्वायर, वॉट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगुरेशन। यानी अब हमें यहाँ पर क्या बोला है कि अगर हम इन्हीं चार्जेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, यानी कुछ ऐसा सीन होगा, ध्यान से देखो, यानी सपोज करो ये हमारी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से चार्ज को पिकअप कर रहे हैं। सपोज करो यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, और इनको हम कहाँ पर ला रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ले आया Q1 चार्ज, ये क्या है, Q2 चार्ज। तो हमें पता है कि अगर ऑलरेडी यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर सीन कैसा था, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी बिकॉज ऑफ द टू चार्जेस, यानी यहाँ पर हमें कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हमें वर्क करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से देखो यहाँ पर वर्क कितना करना पड़ेगा, W1, और इसके लिए वर्क कितना करना पड़ेगा, W2। अब देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या हम अप्लाई करेंगे, सो देयरफॉर हमारे पास इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द टू चार्जेस When kept in an external field, क्या फॉर्मूला मिलता है, U is equal to 1/4πε0 Q1 Q2/R12 plus work done to bring charge 1 plus work done to bring charge 2. So therefore U is equal to
अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन R12, और ये कितना होगा देखो प्लस W1, यानी कि ये क्या हो जाएगा Q1V, और ये कितना हो जाएगा Q2V, है ना, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है V इज इक्वल टू क्या होता है W/Q, तो W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा V × Q, तो हमने इनकी वैल्यू को पुट अप कर दिया। अब देखो हमारे पास सारी वैल्यू गिवन है लेकिन V की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, V की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब V की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम एक रिलेशन यूज़ करेंगे, सिंस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या गिवन है, E इज इक्वल टू A/R², और A की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है, 8 × 10⁵ cm². तो जिसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बचेगा, ये 10⁻¹ m², क्योंकि -4 होता है ना जब सेंटीमीटर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, -4 + 5 करेंगे तो कितना बचेगा 10⁻¹, यानी अप्रोक्सीमेटली इसे हम अब क्या लिख सकते हैं, 80 m², तो ये हो जाएगा इसका एरिया। तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हमें वी निकालना है, तो इसके लिए हम रिलेशन यूज़ करेंगे एज ई, क्या होता है, ई इज़ नथिंग बट -dv/dx, तो यहाँ पर dx की जगह पर क्या ले लेंगे, dr ले लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस को हम r से डिनोट कर रहे हैं। सो देयरफॉर देखो dv की वैल्यू क्या होगी, dv इज़ नथिंग बट -e × dr, राइट। हमें क्या निकालना है, हमें तो v निकालना है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ -e × dr। अब देखो e की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, कितनी है e की वैल्यू, तो e की वैल्यू लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस, e की वैल्यू क्या है, A/R², तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A/R² × dr। अब यहाँ से जो कॉमन कांस्टेंट है वो उस बाहर आ जाएगा क्योंकि उसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होगा। सो देयरफॉर v इज इक्वल टू कितना होगा, देखो ये माइनस ए को मैं बाहर ले लेता हूँ, अब यहाँ पर बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1/R² × dr। अब देखो यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से लिख लेते हैं, माइनस ए, और यह हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ r^-2 × dr। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, x²/2, राइट। तो ये कुछ उसी फॉर्म में है लेकिन यहाँ पर पावर साइन क्या है, माइनस, तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा, माइनस ए, और इसमें आप इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो हो जाएगा r^-2 + 1/-2 + 1, ठीक है, ये बाई फॉर्मूला है, ठीक है। सो देयरफॉर फाइनली हमें यहाँ पर वी की वैल्यू क्या मिलेगी, वी इज इक्वल टू a r^-1/-1, और यहाँ पर -1 पहले से था तो -1 कैंसल, तो v इज इक्वल टू a, और r इनवर्स का मतलब है ये अपॉन में चला जाएगा, तो v की वैल्यू क्या मिल गई, a/r। बस अब हमारा काम हो गया, इस v की वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करके आगे इसे पूरा सॉल्व कर लेंगे। सो देयरफॉर u इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, ये जो वैल्यू है वो ऑलरेडी हमने फाइंड आउट की है, कितनी है, -0.45 प्लस, अब यहाँ पर क्या है, Q1V, तो Q1 की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, कितनी है Q1 की वैल्यू, दैट इज -2 × 10⁻⁶। अब यहाँ पर V की वैल्यू क्या हो जाएगी, A/R, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ A/R, राइट। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻⁶, और V की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, A/R। सो देयरफॉर हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारी जो a की वैल्यू है वो कितनी है, 8 × 10⁵ m². अब इसकी वैल्यू को रख के सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 0.45 प्लस, और ये कितना हो जाएगा देखो, -2 × 10⁻⁶ इंटू ए की वैल्यू क्या है, 8 × 10⁻⁵ अपॉन R1। R1 का यहाँ पर वैल्यू कितना है, 8 cm, जिसे क्या लिखेंगे, 0. यानी मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ, 8 × 10⁻²। तो वहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि हमें गिवन क्वेश्चन में ये वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, और उसने जो सॉल्यूशन किया है उसमें उन्होंने कन्वर्ट करना भूल गए हैं, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर ये क्वेश्चन में ही मीटर स्क्वायर था, क्योंकि अगर ये मीटर स्क्वायर रहेगा तभी इसका परफेक्ट आंसर आ पाएगा। सो देयरफॉर अब ये क्या हो जाएगा, +4 × 10⁻⁶ इंटू, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 × 10⁵ अपॉन, और इसकी वैल्यू भी 8 × 10⁻², राइट। सो देयरफॉर यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो -0.45, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2, यहाँ से 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या है, 10⁻⁶, और ये 10⁻⁶ ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁵ और 2 7, राइट। और इसे हम आगे और सॉल्व करेंगे, प्लस यहाँ से भी 8 से 8 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4
प्लस यहाँ से भी 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर, ये कितना है माइनस 6, और ये कितना है 10 की पावर उधर ऊपर जाएगा माइनस 2, तो हो जाएगा प्लस 7, ठीक है। सो देयरफॉर यू इज इक्वल टू माइनस 0.45, और इसे अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 इंटू 10 की पावर 1, और ये होगा 4 इंटू 10 की पावर 1, तो इसका मतलब क्या है, यू इज इक्वल टू माइनस 0.45, और ये हो जाएगा माइनस 20 प्लस 40, तो u इज इक्वल टू कितना बचेगा देखो माइनस 0.45, और ये कितना हो जाएगा प्लस 20। तो अब हम इसको क्या करेंगे देखो आगे, इसको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करेंगे, अच्छा यहाँ पर आप प्लस लगाना मत भूल जाना, नहीं तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो जब आप इसे माइनस करोगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा देखो 19.55 जूल, तो ये आपको आंसर मिलेगा अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो इसके लिए आपको कंडीशन याद रखना है कि वहाँ पर जो गिवन वैल्यू ए है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं है, वो किस में है, मीटर स्क्वायर में है, तभी आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा।